ये देख, ये है जिंदगी में मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये सेब वाला नान है, ये सेब बनाया गया है नान के ऊपर स्पेशली। देखे इसके ये डंडी भी निकाली गई है और ये और ये साथ में आ गए बादाम, हरी मिर्चें, बादाम और काली मिर्चों में बने हुए ये स्पेशल गौसिया मटन चने। लोहारी गेट के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आमिर? हाँ आमिर, हम गौसिया मटन चने, हम गौसिया मटन चने की तरफ जा रहे हैं। आज 23वां रोज़ है, 24वां रोज़ है, 24वें की सैरी है आज, तो हम 24वें की सैरी करने के लिए गौसिया मटन चने ट्राई करने के लिए जा रहे हैं। ये हम जी हाजी साहब निहारी वाले, रश चेक करें, रात के इस वक्त क्या 10:15 हो रहा है, 10:15 हो रहा है इस वक्त, और लोहारी गेट में देखें, ऐसा नहीं आपको लग रहा कि ये रात है, ये दिन नहीं लग रहा अमित, दिन लग रहा है ना, दिन मतलब कि अगर आप सुबह के टाइम जब हम इफ्तार उसके लिए आते हैं, इतवार वाले दिन जब हम सुबह के वक्त आते हैं, इस वक्त वहाँ उस वक्त यहाँ कोई नहीं होता, इस वक्त जो है ऐसा है कि जैसे बिल्कुल दिन का सीन है, दिन का समय। आमिर कितना रह गया गौसिया? आगे मेहर बशीर आएगा, आगे मेहर तो जी चने ख़त्म होते हैं तो ख़त्म होने नहीं दिए जाते हैं और फिर रीफिल आ जाता है। ये चने फुल हो गए हैं, इसके ऊपर बादाम से दाम भी डालेंगे, तो चने काली मिर्च वाले चने हैं और अब इसके ऊपर अभी ये थोड़ा सा अभी और रहता है, अभी इसमें थोड़ी जगह है तो अभी और फुल किया जाएगा। ये लो जी फुल हो गया, पतीला फुल है, पतीला फुल है और अब इसके ऊपर डाले जाएंगे बादाम शदाम डाले जाएंगे और बादामों वाले ये काली मिर्च वाले गौसिया के चने अगर आप लोगों ने सैरी में खाने हैं। देसी घी भी भाई, देसी घी डाल दिया उन्होंने, वाह जी वाह, देसी घी, किसान का देसी घी, बेहतरीन सीन जो हम चेक करें। गौसिया मटन चने सैर मिठा बाजार लोहारी गेट। यार रमज़ान में टाइमिंग क्या चल रही भाई? 8 बजे, 8 बजे से लेके 2:30 बजे तक। तो जी अगर आप लोगों ने इनसे ज़बरदस्त किस्म के इनके काली मिर्च वाले चने ट्राई करने हैं तो रात 8 बजे से यानी कि इफ्तारी के बाद आप लोग यहाँ आ सकते हैं, इफ्तारी के बाद रात 2 बजे तक। ओहो तो थोड़ा सेट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने चने ला के डाले हैं, साथ में यखनी डाली है और अब इसको थोड़ा सेट कर रहे हैं और उसके बाद फिर मैं ट्राई करूँगा और आपको बताऊँगा कि इसका टेस्ट कैसा है। मुझे उम्मीद है, मैंने क्योंकि मुझे पसंद बहुत है तो मुझे उम्मीद है कि टेस्ट तो बहुत ही आला होगा। मटन है, मटन चनों को चक्कर आ गया होगा, इतना घुमाया है चनों को, चने चकरा गए। एक मिनट ये इनका तरीका है, इन्होंने ऊपर एक ये बड़ा वाला चमचा रख लिया है और अब इसके ऊपर इन्होंने छोटा चमचा रखा है और यहाँ पे ये तरी है, ये मटन की बोटियाँ इसके अंदर, ये है जो तरी बोटियाँ जो है इन्होंने ऑयल के अंदर रखी हुई है, ये है ना सही। अच्छा ये गली छोटी सी है तो यहाँ पे ना फौरन रश लग जाता है, अगर दो बंदे भी यहाँ खड़े हुए तो यहाँ पे लग जाता है रश। ये देखे 100 वाले 3 पैकेट, अब ये देखें जी हरी मिर्चें ये डाल गई इसके ऊपर, हरी मिर्चें डाल रही है और ये साथ में आ गए बादाम, हरी मिर्चें, बादाम और काली मिर्चों में बने हुए ये स्पेशल गौसिया मटन चने लोहारी गेट सैर मिठा बाजार। तो आप लोग यहाँ आएँ और यहाँ आके इनके जो स्पेशल चने हैं वो करें टेस्ट।
ये मटन मटन ये यहाँ से निकाल रहे हैं नीचे से, और ये मैं आपको दिखाता हूँ मटन मटन मछली। हाँ 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 ये है सही चीज़। ये मटन की बोटियाँ चाहिए, ये स्पेशल मटन की बोटियाँ। कितने का चल रहा है आजकल मटन? 900 का मटन मछली। मछली 900 आरडी 200 मटन मछली 900 है, और चाँप चाँप भी 900 900 रुपए में जी आपको मटन मछली के साथ जो है ना स्पेशल चने मिलेंगे। क्या कह रहे हैं? अच्छा, लोगों के लिए 1000 है और चैनल के लिए 900। वाह जी, तो जी आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग यहाँ पे आके बताएंगे कि आप लाहौर हैंगआउट को देख के आए हैं, तो आपको 100 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी कि 10% आपको डिस्काउंट मिल सकता है। मटन ये है जी जो आपकी होती है मटन मछली। ये मछली की बोटी है कितने की भाई? 900। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज पहली दफ़ा ज़िंदगी में सैरी के लिए मैं आज मटन चने खाने लगा हूँ, और ये ज़रा चेक करें ये प्याला मटन चने, ये देखें ये जी बोटी है, चांप की बोटी है जी। यहाँ से मैं इसको तोड़ता हूँ, ये देखें ओए 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 ओए, गर्मा गर्म मज़ेदार कमाल किस्म की चीज़ है, और स्पेशल चीज़ ये देखें ये है। ज़िंदगी में मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ ये सेब वाला नान है, ये सेब बनाया गया है नान के ऊपर स्पेशल। ये देखें इसके ये डंडी भी निकाली गई है, और ये स्पेशल इन्होंने फर्स्ट टाइम मैंने ज़िंदगी में देखा है सेब वाला नान, आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो बस अब मैं ज़रा इसको सेब को तोड़ता हूँ, और इसके साथ यहाँ से जी मटन की ये बोटी उठाते हैं थोड़ी सी, उसके साथ यहाँ से चने लेते हैं, और चनों के अंदर फिर हम ऊपर रखेंगे बादाम। ये चने आ गए, यहाँ से मैं बादाम निकालता हूँ, ये काली मिर्चों वाले बादामों वाले मटन चने स्पेशल किस्म के। देख के जिनको मुंह में आए पानी, तो आपने आना है कहाँ? लोहारी गेट सैर मिठा बाज़ार वोसिया, काली मिर्च वाले मटन चने खाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ यार, सीरियसली ये मटन चने जो जब आप एक दफ़ा खा लेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि असल मटन चने आप किसको कहते हैं। ये सीन ये देखें, यहाँ से लें बोटी, और ये बादाम के साथ यहाँ से बनाएं एक बहुत ही स्पेशल किस्म का चने। इतने नरम मुलायम और ताज़ा चने हैं, बारीक चने, देखने में कितना मज़ा आ रहा है ना, मुझे आ रहा है खाने में मज़ा। ये वाओ यार, वाओ कमाल। बहुत ही आला चीज़ है, मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है। आप लोग एक दफ़ा अगर आएंगे ना और एक दफ़ा खाएंगे ना, तो आपको मुझे यकीन है कि आप बार बार आएंगे। और यहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगी, 1000 रुपये की ये प्लेट है, आपको मिलेगी 900 रुपये की। क्यों? क्योंकि आप यहाँ आएंगे मेरी वीडियो देख के, आपने आके बताना है कि लाहौर हैंगआउट पे आपने वीडियो देखी है बासित की, और आपको फिर यहाँ पे 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। मेरे से तो वाकई जो है ना ये चने देख के ना रहा नहीं जा रहा है, कमाल चीज़ है। बस अब मैं और मेरा कैमरामैन इसको खाते हैं, तो आप हमें दें इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। अब हम ये जो लोहारी मेन बाज़ार है इसके बीचों बीच हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि दूसरी साइड जहाँ से हम एंटर हुए थे वो काफ़ी ना टूटी फूटी सड़क थी, तो हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। हाँ, मेरा तो ख्याल है यहाँ से निकलना तो चाहिए। अच्छा आमिर, ये बताओ कैसे रहे चने, कैसे लगे? यार चने बड़े जबरदस्त थे, चने ज़बरदस्त थे, मटन मज़े का था, कोफ्ते जो है वो भी अच्छे थे। यार चने जो थे ना, हाँ सॉफ्ट सॉफ्ट थे, और हर एक चना जो था ना, हाँ दूसरे से अलग था, यानी कि आपको जो चनों का जो सॉफ्टनेस है और जो
चिकनों की क्वालिटी है वो आपको पसंद आई है। अच्छा, और नान आपने कैसा खाया फिर आज? जिंदगी में पहली दफ़ा आपने सेब वाला नान खाया, कैसा लगा आपको? और सेब का जायका आ रहा था भी, सेब का जायका भी आ रहा नान इतना प्यारा था कि खाने को दिल नहीं था कर रहा मेरा, तो तोड़ने को उसको दिल नहीं कर रहा था। ये उसके ऊपर डंडी भी कैसी बनाई हुई थी डंडी के साथ उन्होंने पत्ता कोई नहीं बनाया, लेकिन यार मतलब कि ऐसे नान जो है ना आपको शहर में नहीं मिल रहे हैं। शहर में शहर ये कौन सा गाँव है? ओहो, मेरा कहने का मकसद ये है कि जिन इलाकों में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे आपको इधर भी 5 रुपए की इधर भी बना रही है। यार ये हम मेहर बशीर पे निकल आए हैं, ये हम मेहर बशीर पे निकल आए हैं, तो हाँ वो तो मुझे पता चल गया। चलो बाबा यासीन चने वाले जी यहाँ पे बैठे हैं, और ये कौन सा चौक कहलाता है? चौक लोहारी मंडी में बाबा यासीन बैठे हैं। बाबा जी आपको सिरी पाए जुबान खद मगज और चने भी। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? ये 40 साल। 40 साल माशाल्लाह। चने दिखाएं जरा के, वो रखे हैं बाबा जी ने चने, बेहतरीन खूबसूरत किस्म की चीज़। और यहाँ पे ये मगज है। ओह मगज, अच्छा मगज पूरा अभी निकलना है इसमें से। और बाकी ये खाद जुबान पर रखी हुई है। अच्छा बेहतरीन, ये है। अच्छा यानी कि इसके अंदर अभी पूरा सामान है। तो आप कब तक बैठे हैं? चाय हमारा 2 बजे मुकरे, चाय हमारा ये। अच्छा 3 बजे मुकरे। सही, हम लगाते हैं शाम को, रोज इफ्तारी के बाद लगाते हैं। चलें इंशाल्लाह, अभी तो मैं आगे से खा आया हूँ तो अभी तो जगह रही है, इंशाल्लाह किसी वक्त फिर। काफ़ी बंदे गए, काफ़ी चैनल चलता है। अच्छा सही, इंशाल्लाह जी फिर किसी वक्त कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी।